देख रहे हैं किलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ दीपिका। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, मटियाला विधायक गुलाब सिंह और डीएम दक्षिण पश्चिम दिल्ली के साथ राशन वितरण केंद्रों का दौरा किया, जहां बिन राशन कार्ड के लोगों को अनाज आपूर्ति दी जा रही है। वहीं उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि हम दिल्ली में किसी को भूखे नहीं सोने देंगे। दिल्ली सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण को फैलाने से रोकने के लिए नारायणा के CEFG ब्लॉक समेत दिल्ली के कई एरियो को सैनिटाइज किया जा रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री के साथ आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में लॉकडाउन के दौरान चर्चा के साथ साथ कोरोना से लड़ने हेतु स्वास्थ्य सुविधा, GST राशि, भारत सरकार के उपक्रमों पर राज्यों को देने वाले हजार करोड़ों का बकाया, मनरेगा मजदूरी में बढ़ोतरी और राज्यवासियों के लिए आर्थिक मदद आदि प्रदान करने का हेतु आग्रह किया है। साहिबगंज में कोरोना वायरस से निपटने के लिए जिला स्तर पर ढेरों कदम उठाए जा रहे हैं। इस क्रम में नगर परिषद, नगर पंचायत तथा जिला प्रशासन के सहयोग से शहरों एवं गांवों में घूम घूम कर गली मोहल्ले में फंगिंग, दमकल के माध्यम से कीटनाशक छिड़काव, नालों की साफ सफाई, सैनिटाइज की प्रक्रिया तथा हर घर से कचरा उठान आदि कार्य किया जा रहा है। एक और जहां बंद पड़े सड़कों और नालों में कीटनाशक छिड़काव के साथ साथ गंदगी साफ की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ नालों में ब्लीचिंग पाउडर डालकर स्वच्छ भी किया जा रहा है, ताकि वहां किसी प्रकार का कीट आदि ना पनपे। बिहार के बेगूसराय में कोरोना वायरस से एहतियात के तौर पे किए गए लॉकडाउन की इस आपात स्थिति में बेगूसराय नगर निगम ने पूरे नगर निगम एरिया में सैनिटाइज का काम युद्ध स्तर पर करवाया गया। इस क्रम में निगम पार्षद ईश्वरी देवी के नेतृत्व में वार्ड 20 में सैनिटाइज का काम लगातार चल रहा है। माननीय पार्षद ने बताया कि यह काम अनवरत तक चलता रहेगा, जब तक कोरोना महामारी से लोगों को निजात न मिल जाता। साथ ही माननीय पार्षद ने आम जनता से निवेदन करते हुए अपील की, आप लोग लॉकडाउन का ईमानदारी से पालन करें और अति जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें। सनौला प्रखंड के श्रीचक कमालपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद फजलू रहमान के द्वारा ग्राम मंगाचक आजमपुर उधामा डी में सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए कोरोना वायरस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लगाए गए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण लगभग 100 गरीब मजदूर के बीच चावल, दाल, नमक, बिस्किट और साबुन का वितरण किया गया। फजलू रहमान ने कहा कि देशव्यापी लॉकडाउन के कारण गरीब मजदूर के सामने भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है, इसीलिए हम सभी गरीब लोगों को राहत सामग्री का पैकेट दे रहे हैं। साथ ही सभी लोगों से अपील किया जा रहा है कि अपने अपने घरों में ही रहें और लॉकडाउन का पालन करें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। खाना खाने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से साफ रखने के बाद ही भोजन करें। राहत सामग्री का वितरण करने के दौरान मोहम्मद फजलुर रहमान, मोहम्मद सरफराज आलम, मोहम्मद रजाक जोगिंदर यादव मौजूद थे। सनौला प्रखंड अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में गरीबों और असहाय लोगों को चावल, दाल, आलू और सरसों तेल का वितरण किया गया। कहलगांव विधानसभा के माननीय विधायक सदानंद सिंह के द्वारा सभी पंचायत में आलू, चावल, तेल, चीनी इत्यादि का वितरण किया गया। वहीं उनके कार्यकर्ता द्वारा बताया गया कि हर पंचायत उन्हें श्री विधायक सदानंद सिंह के द्वारा यह कार्य करवाया जा रहा है, जो कि हर गरीब असहाय लोगों तक यह चीज पहुंचाना मेरा लक्ष्य है। वहीं मौके पर उपस्थिति कांग्रेसी कार्यकर्ता हिब्जुल सरवर आलम, साजिद हुसैन, अहसन मनोज सिंह इस्माइल इत्यादि मौके पर उपस्थित थे। सनौला प्रखंड के ग्राम पंचायत धुआबे में माननीय विधायक श्री सदानंद सिंह और शुभानंद मुकेश जी के द्वारा जीवन प्रभावित ग्राम पंचायत के गरीब, निसहाय व लाचार लोगों के बीच राहत पैकेज सामग्री का वितरण किया गया।
वह शुभानंद मुकेश फैंस क्लब के सदस्य विकेश कुमार, निर्भय यादव, केसरी चंदन और बम बम सिंह के मार्फत सुचारू ढंग से दिया जा रहा है। कोरोना जैसे महामारी के संकट घड़ी में लोगों से अपील भी किया जा रहा है कि ज्यादातर समय घर में ही बिताएं और लोगों से दूरी बनाए रखें। विषम परिस्थितियों में जहां तक हो जनता की तकलीफों को दूर करने के लिए माननीय विधायक जी और शुभानंद मुकेश फैंस क्लब के सदस्यों द्वारा आपकी मदद की जाएगी। वैश्विक महामारी कोरोना के मैनेजर जनता की सेवा में दिन रात अथक परिश्रम करने वाले चिकित्सा कर्मी, पुलिस कर्मी, सफाई कर्मी, पारामेडिकल स्टाफ को भाजपा परिवार कर रही है सम्मानित। कोरोना योद्धाओं, सफाई कर्मियों को भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश झा और पुलिस पदाधिकारी बसंत राय को प्रखंड अध्यक्ष प्रदीप शर्मा ने अपने सहयोगियों के साथ आभार पत्र और उनका माल्यार्पण कर अभिनंदन किया। भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर 14 अप्रैल को भाजपा समरसता दिवस के रूप में मनाएगी। गरीबों के गांव में मोदी आहार और फेस कवर का वितरण प्रत्येक मंडल में किया जाएगा। प्रधानमंत्री राहत कोष में गोड्डा जिला से भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा 60,000 से अधिक की राशि जमा की जा चुकी है। कोई भूखा ना रहे, सभी जरूरतमंदों को दी जा रही है सहायता। इस अभियान के रूप में सभी जगह पर चलाया जा रहा है। आज सांसद निशिकांत दुबे जी के निर्देश पर ECL के सौजन्य से सरौनी, गायचान और परसपानी से सैनिटाइज का कार्य किया गया। ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें किलांचल टाइम्स के साथ। नमस्कार।